मैं खुद टीचर हूँ, ये मेरा बेटा है शहजाद, ये मेरा छोटा बेटा है, इनका स्किन का मसला है। मैं कल भी आया था, डॉक्टरों का हड़ताल है, आज भी हड़ताल है, और हम डिस्टर्ब हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, वहाँ 2000 फीस है, हम टीचरों की फ़ीस को, हम कॉलेज की फ़ीस को फीस जमा करें या इधर डॉक्टरों को प्राइवेट अस्पताल में फ़ीस दें, इधर आते हैं। अभी आप देख रहे हैं हमारे पीछे लेडीज़ हैं बेचारे, दूर दूर से आए हुए, वो भी दर पदर, हम इधर आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर हड़ताल पर हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं भाई, डॉक्टरों को सुने, अगर उनके जायज़ मुतालबात हैं तो उनके जायज़ मुतालबात कॉल करें। मैं सिब्बी से आया हुआ हूँ, तो इधर कोई डॉक्टर माक्टर नहीं है, मेरे पाँव में फंक्शन आया हुआ है, ज़ख़म भी है और दर्द भी कर रहा है, इधर पहले भी आया था, अभी भी आया हूँ, हड़ताल लगी हुई है, नहीं डॉक्टर है ना क्या, अभी बैठा हुआ हूँ ज़ख़म के साथ। मेरा नाम नसरुल्लाह है, तालुक किला सिपला से। मैं इससे पहले यहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ, यहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं है, डॉक्टरों का एहतजाज जारी है, हम गरीब आवाम सब परेशान है, दूर दूर जगह से आए हैं, अफगानिस्तान से, तुर्बत से, जोब से, यहाँ पे जो प्राइवेट अस्पताल पे यहाँ पे मौजूद है, वो हम लोगों का बस में नहीं है, वो इसका खर्चे बहुत ज़्यादा है। हम लोग सिविल हॉस्पिटल इस वजह से आते हैं, यहाँ पे मुफ्त इलाज होता है, लेकिन ये बेचारा आवाम यहाँ पे बैठे हुए इसका जो डॉक्टरों का इंतज़ार करते हैं। हम ये गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना पैगाम देना चाहते हैं, हम ये पैगाम देना चाहता है जो जो डॉक्टर्स है वो अपने वक्त का पाबंदी करें।